ये दो लोग एक जगह पर आते हैं जहां पर एक खतरनाक राक्षस को कैद करके रखा हुआ था, और जैक अपने दोस्त ईथन से कहता है कि उस किताब को मत लेना, लेकिन ईथन उसकी बात को ना सुनकर किताब लेने के लिए जाता है, जिस वजह से कैंडल्स अपने आप जल जाते हैं और वो राक्षस हिलने लगा। और जैसे ही ईथन किताब को छूता है तब राक्षस जिंदा हो गया और उसके मुंह के अंदर से अजीब से टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था। फिर राक्षस उठकर खड़े हो जाता है और वो जैक को पकड़कर उसे जिंदा ही खा जाता है। तब ईथन के हाथ में की किताब जलने लगी और वो किताब को फेंक कर राक्षस से दूर भागने लगा और राक्षस अब उसके पीछे पड़ गया था। और ईथन भागते हुए एग्जिट गेट के पास आता है लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। तब एक औरत वहां पर आती है और ईथन उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो औरत सिर्फ उसकी तरफ देखती है और दरवाजा खोलने की जगह पर वो तो दरवाजे पर ताला लगा देती है। और ईथन रोकर उससे दरवाजा खोलने के लिए कहता है लेकिन औरत वहां से चली गई। तब वहां पर राक्षस पहुंच जाता है और वो ईथन को पकड़कर उसे भी जिंदा खा जाता है।